अब हमारा मोटो ये है कि जो कल हम बात कर रहे थे उसी पर हम आज बात कर लेते हैं, है ना। क्या आपने कितना समझ में आया है और कितना आपने काम किया है, ठीक है। नहीं है तो उसी कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे और कल हमने उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी करी थी, तो ऐसे ही अगर आज कुछ है तो पहले वो भी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ ताकि अपने को आगे बढ़ने में इजी रहे। क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि थोड़ा सा टाइम हमको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खुशी, कर्व लाइन बनाना अभी आपको मैंने बताया नहीं है तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, है ना, क्योंकि कर्व लाइन बनाना मैंने भी बताया नहीं। ग्रेडियंट कैसे दो, देखो एक साथ तो आप नहीं दे पाओगे इसमें अभी तक, तो क्योंकि ग्रेडियंट देने के लिए बहुत सारा कोड लिखना होगा, बहुत सारा कोड, तो वो तो बहुत लेंथी पैटर्न हो जाएगा। ग्रेडियंट अभी तो नहीं दे पाओगे आप, है ना, लेकिन उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जैसे फिल स्टाइल में आपने फिलिंग स्टाइल सेट कर दी लाइनिंग्स के और लाइंस आपने उस डायग्राम में फिल कर दी, है ना, इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको कर्वी लाइंस बताई नहीं है ना, तो कर्व लाइंस कैसे आएगी आपके उसमें बताओ। पुट पिक्सल से अगर अपन करेंगे तो पुट पिक्सल से वो चीजें बहुत लेंदी चली जाएगी। हाँ, पहला बोला इक्वेशन से तो बन सकती है लव कुमार नेशनल, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सभी बच्चों को पैराबोला इक्वेशन पता हो, पैराबोला इक्वेशन याद हो, ये तो जरूरी नहीं है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। और कोई डाउट बताओ, और कोई डाउट हो तो अच्छा, इसलिए वो फिजिक्स का काम होता है, उनका चल जाता है, ठीक है। शेप की बॉर्डर का कलर एक से ज्यादा हो तो कलर फिल कैसे करोगे, बॉर्डर का कलर आप अगर एक से ज्यादा दोगे तो फिर आप फिल नहीं कर पाओगे, ये थोड़ी सी बाउंडेशन रहेगी आपके लिए इसमें। तो आपको क्या करना होगा कि जो है ना, मतलब एक तो बॉर्डर अलग रखनी पड़ेगी और कलर अलग रखना, एक तो बॉर्डर अलग रखनी पड़ेगी और एक कलर अलग रखना पड़ेगा। अगर आपने मान लो बॉर्डर भी सेम रखनी है, बॉर्डर भी सेम रखनी है, तो आप क्या करोगे कि पहले तो पूरा कलर भर लो बॉर्डर पे, ठीक है। कलर भरने के बाद क्या करो, अब आपकी जो बॉर्डर है, अब वो बॉर्डर नए सिरे से ड्रॉ करो उस पर और फिर उसका कलर अलग अलग करो, तो आपका काम बैठे। अगर आपने बोला कि भाई एक डायग्राम है और उस डायग्राम में आपने कलर बॉर्डर पहले अलग कलर के कर दिया और फिर कलर भर, बैठेगा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कलर पहले भर के बाद में बॉर्डर्स बनानी होगी उसकी अलग कलर से, तो आपका काम बैठेगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ किसी को भी। और किसी को कोई डाउट नहीं, चले आगे। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पहले वो डाउट क्लियर कर लो, तो हम वो डाउट पहले बता देते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं।
देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 कोई डाउट नहीं, पक्का क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है, आगे देखो। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें से आधी लाइन जो है वो ऐसे किसी एक हो, आधी लाइन किसी दूसरे कलर की हो, और आधी लाइन किसी थर्ड कलर की हो, और आधी लाइन किसी और कलर की हो, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कैसे ड्रॉ करेंगे? मुझे ये ड्रॉ करना है जो मेरे सामने, आधी लाइन किसी और कलर की, आधी लाइन किसी और कलर की, आधी लाइन किसी और कलर की, और आधी। अब ये मुझे बताओ कैसे ड्रॉ करें। हाँ खुशी, कैसे ड्रॉ करेंगे अपने इसे पिक्सल से करा तो इसकी जो भी लेंथ वगैरह अपन ने ली ना, एक्स वाई वगैरह, उनको है ना 100 से कम कर देंगे और उसमें ना कलर चेंज कर देंगे, फिर और 100 से कम कर देंगे, फिर कलर चेंज कर देंगे, तो ये उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और फिर ओवरलैप हो जाएगी तो जो अपन ने कलर दिया है ना वो आ जाएगा। ओवरलैप करेंगे करके ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये कोई और पैटर्न भी है इसको सॉल्व करने का? अच्छा, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे बता रही हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं। यस अनुराग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, एक तो ओवरलैप करके कर सकते हैं हम, और एक सर चारों लाइन को अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं हम। चारों लाइन को अलग अलग कर सकते यस सर, उनको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के एंड पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट बना के। हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरा ये, ये आउटपुट आना चाहिए ऐसा, लेकिन आपको यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया आपने और लाइन का एंडिंग पॉइंट ले लिया आपने, यूजर से इनपुट ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, और यूजर से पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ कलर्स, और वो कलर का जो टोटल नंबर है वो 15 से ज्यादा नहीं दे सकते, वो आपने कोई कलर नंबर जो है वो किसी ए में ले लिया फॉर एग्जाम्पल, वो कलर के नंबर्स 15 से ज्यादा नहीं दे सकता, स्ट्रिक्टली हमें कंडीशन में लगा। तो जितने वो कलर्स दे, मान लो उसने 2 दिया, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आधी लाइन एक कलर में, आधी लाइन दूसरे कलर में ड्रॉ होनी चाहिए। मान लो उसने कलर में दिया, टोटल नंबर ऑफ कलर्स में दिया 3, तो पूरी लाइन 3 कलर्स में डिवाइड होनी चाहिए, हाफ लाइन एक में, हाफ लाइन एक में, हाफ लाइन एक में, और तीनों लाइन इक्वल इक्वल कलर से होगी, मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों इक्वल होगी। मान लो यूजर ने दिया 4, तो इसका मतलब वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो 4 कलर में ड्रॉ होगी, 1 2 3 4, लाइन तो यहां से यहां तक ही, क्योंकि उसने इनपुट दिया है आपको कहां से स्टार्ट होनी चाहिए कहां नहीं। अब वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए, इक्वल पार्ट के अलग अलग कलर होने चाहिए। मान लो यूजर ने दिया 5, तो क्या होना चाहिए, 5 अलग अलग कलर्स में वो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, पूरी एक लाइन 5 पार्ट में हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 सेगमेंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 पांचों का अलग अलग कलर हो जाएगा। कलर कुछ भी आप रैंडम ले सकते हैं, कैसे भी, अभी के लिए तो रैंडम ले सकते हैं। यूजर ने दे 10, तो इतनी बड़ी लाइन अगर मान लो ड्रॉ हो रही है तो उसके 10 इक्वल पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 पार्ट 10 अलग अलग कलर्स में ड्रॉ।
चैलेंज है आपके लिए, 2-3 मिनट में आंसर देना, सिर्फ बनाना नहीं। जो लॉजिक समझ में आता है, जैसा लॉजिक समझ में आता है बताओ, गलत हो मुझे कोई टेंशन नहीं, आंसर आना चाहिए भले गलत आए, आंसर्स आने चाहिए भले गलत आए। 10:03 है, 10:05 तक का टाइम है। यस जसप्रीत सर, इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं कि x2 - x1 डिफरेंस निकाल ले और y2 - y1 डिफरेंस निकाल ले और उससे टोटल नंबर ऑफ कलर से डिवाइड कर दें दोनों डिफरेंसेस को, और अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि डिफरेंस थोड़ा सा समझ में बैठा नहीं जैसे। हाँ। सर एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे x2 - x1 तो जो डिफरेंस आया, समझा मैं तुम्हारी बात समझा, मान लो जैसे ये पॉइंट है, ये हो गया 100, 200, ये एक लाइन ड्रॉ हुई 300, 200 हुई, यूजर ने दिया तो y का डिफरेंस 0 हो गया और x का जो डिफरेंस हो गया वो 200 हो गया। अब मैं 200 में मान लो यूजर ने 10 दिया, 200 डिवाइड बाय 10 तो मेरे पास 20 का क्या करूंगा, जबकि सेगमेंट तो 10 आने चाहिए ना, आपका आंसर तो 20 आया, 20 का आप क्या करोगे? सर 20 का मैं ये करूंगा कि मेरे पास एक पॉइंट होगा कि हर 20 पिक्सल्स के बाद कलर चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो 20 पिक्सल की एक कलर की लाइन ड्रॉ हो गई, फिर जैसे ही वो 20 पिक्सल हिट कर जाएगा उसके बाद से कलर में इंक्रीमेंट, कलर चेंज, फिर वापस 20 पिक्सल तक उस कलर की लाइन, फिर कलर में इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद 20 पिक्सल की वापस लाइन। बहुत हद तक तो सही, 95% से अबाउट तो कह सकते हो सही है, पूरा ही सही है, लेकिन इसको और तरीके से भी कर सकते हो, और अच्छे पैटर्न में, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और भी अच्छे पैटर्न से कर सकते। हाँ चिराग, तुमने अभी रीजन किया था, पर चंदन सर मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर था, सिमिलर दो बच्चों, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि सर इसमें वाई तो चेंज होगा ही नहीं, तो वाई का डिफरेंस नहीं लेंगे। देखो ये यूजर पे डिपेंड करता है, यूजर कुछ भी दे सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, यूजर अनाड़ी खिलाड़ी खेल का सत्यानाश, ऐसा होता है, यूजर कुछ भी दे सकता है, हम हमारे अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाते हैं कि यूजर कुछ भी दे तो भी हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे 0000 दे दूँ तो एरर नहीं आनी चाहिए, चलना चाहिए, या फिर कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए, अच्छा सपोर्ट एवर जो आपकी इच्छा है। यूजर ऐसा भी दे सकता है कि पहले में 300, 200 दे दे और दूसरे में 100, 200 दे, तो वो मतलब 100 - 300 आपका नेगेटिव में आएगा डिफरेंस, तो वो भी आपको समझना है, यूजर कुछ भी कर सकता है। और आंसर, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्रामर्स हैं आपकी क्लास में, आंसर दो बच्चों के आए, देखो और टाइम हो गया 3 मिनट, मैंने दे दिया 2 मिनट, चैलेंज और दिया मैंने तो, और इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, मैंने पूछा सिर्फ लॉजिक लगा के बताना है, आप बनाने मत बैठ जाना फटाफट कंप्यूटर पर कोडिंग करो डक 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 डक, नहीं सिर्फ मुझे लॉजिक समझाओ, मैं आपके लॉजिक से बता दूंगा कि आपकी चीज़ सही जा रही है गलत जा रही है। और आंसर दो चाहता हूँ मैं, और आंसर आए अभी बहुत सारे, हरी स्वरूप, हिमांशु, चिराग, आयुषी, अभिजीत, अनुराग, अक्षित, अभिषेक, मुल्किया जी, बहुत बहुत बच्चे हैं आपकी क्लास में जो बहुत बढ़िया बढ़िया कोडर्स हैं, बहुत सारे हैं, लव कुमार वैष्णव, क्या हो गया भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ लॉजिक पूछा है मैंने और कुछ नहीं, मैं भी वो आपको टाइम दे रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपके है ना कि हमें डर लगने लग गया सीधी से, लॉजिक बिल्डअप नहीं हो रहे हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपका निकाल रहा हूँ। हाँ चला सर, वो जैसे आपने बोला कि अगर यूजर ने 10 इनपुट करा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कलर एक्सीड कर जाएगा, तो अपन ऐसे कर देंगे ना, जैसे ही वैल्यू 15 पे पहुंचेगी अपन उसको आई को वापस 0 करके स्टार्टिंग से चला देंगे। यूजर ने 16 दे दिया तो क्या करोगे इनपुट में, वो तो आप लूप पे चलाओगे ना, यूजर ने 16 दे दिया तो क्या करोगे? नहीं सर, सर किस में, अगर कलर में कह रहे हो सर आप, कलर में सर यूजर ने 16 दे दिया तो सर अपन है ना ये प्रिंट करा देंगे ना कि वापस ना इनपुट करो और लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स 15 तक एंटर कर सकते हैं। हाँ भाई, सर यूजर आपने कल ही बोला था कि अपने को पूरा यूजर एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम बनाना है जो उसको सब कुछ पता पड़े। देखो आप अभी से हैबिट बना के चलो आपकी कि आप जब इनपुट ले रहे हो तो यूजर जो है वो बेवकूफ है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अभी हम क्या करते हैं जब कंप्यूटर चलाते हैं हम तो उंगली कर करके देखते हैं, अच्छा ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, और हमारी आदत है हम बग्स ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, आपके प्रोग्राम में भी लोग बग्स ढूंढेंगे, तो हम लोग बना के ऐसा चलते हैं कि ढूंढ भाई ढूंढ, जितना तुम्हारा दिमाग चल रहा होता तो हमने काम करके ही रखा है ना, ऐसा है। और
और कोई स्टूडेंट आंसर देना चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट, सिर्फ दो स्टूडेंट, बरसात में पानी ज्यादा आ गया, चुल्लू भर से अगर चाहिए हो तो। तब मुझे लग रहा है मुझे एक एक को नाम लेके बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई अब आप आंसर दो, अब आप आंसर दो, है ना। चलो ऐसे ही करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं लिख ही रहा हूँ ना। कामरान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ मिस्टर कामरान, करो अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कामरान सर, वो सेम आंसर देने का फिर मतलब क्या रह जाएगा? आंसर देना है मेन, तो पता तो पड़ेगा किसका आंसर हो सकता है। एक तो वो डीडीए वाला आपको दिया था, तो आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे लगा वो गलत होगा। और दूसरा तो अच्छा, एक मिनट, चैटिंग में आंसर दिया क्या? चैट देखिए, मैसिव रेजेंट, रेजेंट के लिए गया था। अच्छा तो फिर नहीं, वो उन्होंने चिराग और उसने सही दे दिया, तो मेरे को लगा ठीक है चलो क्या करना फिर, इसलिए रिपीट करने का कोई सेंस नहीं था ना। चार बार फुट सारी लाइन मूव, डिस्को लाइट जैसा, नहीं नहीं लाइन मूव नहीं करनी। कर सकते हैं लाइन एल्गो से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर ऑफ कलर से उसको कैसे सेट करो? उसको तो सही है ना, सिंपल सा आप इसको डिफरेंस निकाल लोगे और उसको डिवाइड बाय कर दोगे जितना यूजर ने कलर दिया है, तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको कितने मतलब पिक्सल्स तक सेम कलर रखना है। हाँ। बस और उसके बाद आप लगा दोगे उसको, यहाँ पर आप कलर देते हो उसकी जगह वेरिएबल डाल दोगे। ऐसा खुशी खुशी कहना चाह रही हूँ। सर मैं मेरे लिए नहीं कह रही थी, बाकियों के लिए कह रही थी, उनको कराओ। अच्छा सर को ये लव कुमार वैष्णव आंसर देगा, देखता हूँ मैं कहाँ गया हूँ उस टाइम। ओहो साहब तो क्लास में नहीं अभी, हाल फिलहाल साहब तो हाल फिलहाल क्लास में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो अब हरी स्वरूप का भी आंसर नहीं आया। हाँ मिस्टर हरी स्वरूप, देखो बच्चों ये आप लोगों ने बहुत सही दिया है आंसर, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट्स के आंसर है, लेकिन वो सही आए हैं मोस्टली। कि आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस निकाल के टोटल नंबर ऑफ कलर्स का डिवाइड लगा दो। अच्छा चैट में दिया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइड कलर्स का डिवाइड लगा दो, तो जो भी रिजल्ट आया उतने पिक्सल तक, उतने पिक्सल तक आप क्या करोगे, एक कलर, फिर उसके बाद उतने पिक्सल तक दूसरा कलर, उतने पिक्सल तक तीसरा कलर, और जितने वो कलर्स उसने बोले हैं उतना आप फिल करोगे। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अपन अभी बनाएं और काम करें, या फिर आप खुद बना लोगे, तो फटाफट आंसर दे दो मुझे चैटिंग में या कैसे भी, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये प्रोग्राम में अभी बनवाओ या फिर आप इसको ट्राई कर लोगे, जल्दी से बता दो तो मैं आगे बढ़ूं। ट्राई करेंगे, एक स्टूडेंट खुद बना कर देखेंगे, ट्राई करेंगे, एक दो स्टूडेंट के आंसर हैं अभी, कैसे बना दो। हाँ नहीं हुआ तो मैं तो बताऊंगा ही, बना लो गया। अभी तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट्स तो पाई है कि अभी बना दो, तो बना देता हूँ अभी, आप समझ लो इसको। हाँ ठीक है, देखो कुछ आप जो है अभी भी बनाओ, और बाकी फिर मैं भी इसको बनाता हूँ, और जो भी साथ में प्रैक्टिकल करते हैं वो स्टूडेंट अभी इसको साथ का साथ में बना दो, ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। stdio iostream.h graphics.h
अभी इसलिए सारी ऐड कर रहा हूँ कि काम आएगी तो हम लोग ले लेंगे, बाद में हेडर फाइल मुझे ऐड करने की डेट नहीं होगी, मैं अभी करके चल रहा हूँ। वॉइड मेन और इसमें int gd is equivalent to 0gm rscr, एक मिनट कीबोर्ड लगा ले तो इजी रहेगा वरना वही कल वाला। देखो यूजर कुछ भी दे सकता है, मैंने बताया तो यूजर को कुछ भी दे सकता है, तो फ्लोट एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू ये हमने ले लिया। इनपुट आ चुका है हमारा, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए फिर से हमने एक डी एक्स और डी वाई दोनों ले लिया है। डी वाई में आपको पता है वाई टू माइनस वाई वन देंगे अपन, और डी एक्स में अपन दे देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, दोनों आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो इफ डी वाई इज ग्रेटर देन डी एक्स, तो मैक्स नाम के वेरिएबल में क्या डाल दें, डी वाई डाल दें, अदरवाइज एल्स में जाए और मैक्स में क्या चल जाएगा, डी एक्स चल जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, तो माइनस प्लस दोनों ही आएगा। तो माइनस से बचने के लिए अपन ने एक फंक्शन यहाँ वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा है एफ ए बी एस एब्सोल्यूट, एफ ए बी एस फंक्शन अपन ने पढ़ा था, और ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव डाल देगा। अब एक था फ्लोर, तो फ्लोर जो था वो आप जानते हो क्या था हमारे पास, फ्लोर फंक्शन क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी तो इनका मैक्स यहां पर डिक्लेयर करना होगा। ठीक, इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में हमने इसलिए किया। फिर यहाँ पे टेक इनपुट
इनपुट ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम आपका क्लियर होगा। यहां पे लिखेंगे टू स्टोर द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, टू स्टोर द होने वाला है। आप ऐसा ही प्रोग्राम बनाए के लिए जो भी बनाए, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड कर चुका हूं। इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है तो आप क्लियर करो। प्रोग्राम बनाने का तरीका यही होना चाहिए, इसी तरीके से आप बनाएंगे। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही नहीं, तुम लोग अपना प्रोग्राम बनाओ। मैं इसलिए धीरे भी प्रोग्राम बना रहा हूँ और कमेंट भी सारे लिख के बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में भी आए और जो प्रोग्राम बना रहा है उन लोगों को टाइम भी मिल जाए प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। हम लोगों ने इनपुट ले लिया है, हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया है, हम लोगों ने कौन सा डिफरेंस मैक्सिमम है हमने वो चेक कर लिया। अब हमको क्या करना है, ये तो बात हो गई उसके इनपुट्स की। अब एक मिनट को कलर इनपुट लेना है किसका, नंबर ऑफ कलर्स। तो मैंने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया, तो ये क्या करेगा, दिस वेरिएबल स्टोर द टोटल नंबर ऑफ कलर, ठीक। तो हमने ये ले लिया और यहाँ पे सी आउट एंटर द टोटल नंबर ऑफ कलर फ्रॉम जीरो टू 15 अपने को कलर उससे लेने, मतलब जीरो से 15 के बीच में, तो सी इन वो कलर दे देगा ए में। तो हमने ए में स्टोर कर लिया। अब नीचे आ जाओ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है कि जो टोटल मैक्सिमम डिफरेंस आया उस मैक्सिमम डिफरेंस में डिवाइड लगा देना कलर का, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आ जाएंगे। तो पिक्सल आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा मेरे को पिक्सल स्टोर करने के, ठीक है। ये जो वेरिएबल है वो नीचे डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ मैक्सिमम के साथ कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, उसके साथ में उसका कमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारा जो डिफरेंस पिक्सल के लिए है वो मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एंड नाम का किया द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल फॉर ड्रॉ सिंगल कलर, ठीक है। सिंगल कलर ड्रॉ करने के लिए मैंने पिक्सल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगली बात समझो, पिक्स में आप डालोगे क्या कि जो मैक्स है उसमें डिवाइड लगा दे किसका, ए का, जो भी आपका कलर हो, ठीक है, और इसको फिर फ्लोर में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि मान लो जो मैक्स में वैल्यू आई है वो आई होगी मान लो कोई 100 और यूजर ने कलर कितना दिया 3, तो 100 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 33.33 वो तो डेसिमल में हो गया, तो उसको ये क्या करेगा, फ्लोर जो है पिक्सल में कन्वर्ट कर लेगा। तुम्हारा ये काम हो गया, आ गएगा समझ में, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, टाइम है ना अभी। हाँ, अब मुझे क्या करना है,
अब मैंने पिक्सल में स्टोर भी कर लिया, अब और क्या कर सकता हूँ, अब मुझे लूप चलाना है, तो लूप कहाँ तक चलेगा, तो लूप तो जो मैक्स की वैल्यू होगी वहां तक चल जाएगा, तो वाइल लूप चला देते, फॉर की जरूरत पड़नी नहीं हमें। तो वाइल में बोला कि जब तक मैक्स में, मैक्स जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक लूप चला दो। तो मैक्स को माइनस करने के लिए सबसे पहले तो मैक्स माइनस करना पड़ेगा एक एक पिक्सल, क्योंकि हम एक एक पिक्सल ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन तो ड्रॉ कर नहीं रहे, आप चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं पिक्सल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक फुट पिक्सल से कर रहा हूँ, आप लाइन फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा और आगे समझते हैं, तो अब लाइन तो ड्रॉ चलेगी, तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया होगा वो मान लो जैसे ये 100 है x की वैल्यू और y की x2 की वैल्यू 200 है, तो 100 से 200 तक लूप चलाओ या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 100, उस वैसे 100 तक लूप चलाओ, बात तो एक ही है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है, इस बात को समझ। अब मैं क्या करता हूँ, पिक्सल ड्रॉ करने के लिए पुट पिक्सल का, पुट पिक्सल लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, x1 से और y1 से, कलर कोड के लिए मैंने i दे दिया, तो i यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैंने लिया int i to define the color, well ये जरूरत नहीं to define the colors, और i को इनिशलाइज कर दिया 0 से, ठीक, और जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आई इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आई कब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा, जो आपने ये जो पिक्सल लिया है फ्लोर में, पिक्स नाम का वेरिएबल लिया, तो पहले इतने पिक्सल तक तो वो लूप चलेगा, उतने पिक्सल के बाद आपका आई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ पिक्सल के लिए हम लोग एक यहाँ पे ये भी लेंगे कि पिक्सल इक्वलेंट टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं और जो भी पिक्स की वैल्यू आ जाएगी वहां तक जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर हमने कहा कि अगर पिक्स 1, अगर पिक्स 1 की वैल्यू क्या है, इक्वल इक्वल हो जाए, किसके हो जाए, पिक्सल के इक्वल हो जाए, तो क्या करूं, पिक्स 1 में 1 स्टोर कर दो, वरना एल्स में जाओ, वरना एल्स में जाओ, और क्या करो, पिक्स 1 में इंक्रीमेंट करते रहो, पिक्स 1 को बढ़ाते रहो हर बार लूप के साथ में। तो मैंने आपको बताया वैसे तो जब तक एक कंडीशन रहेगी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एक लाइन का अगर कोड है, ये मैंने कल भी क्लियर किया था आप लोगों, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये मैंने लिखा, ठीक है, तो पुट पिक्सल आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि भाई पिक्सल ड्रॉ कर दिया, मैक्स में डिक्रीमेंट कर दिया, लेकिन एक्स में तो इंक्रीमेंट किया ही, वो कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये समझने वाली बात। अब मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स बढ़ना चाहिए और वर्टिकल लाइन है तो वाई बढ़ना चाहिए, यही होगा ना, या तो एक्स बढ़े या वाई बढ़े। तो मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा कि इफ, अभी मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूँ, अगर डी वाई बड़ा है डी एक्स है, डी वाई बड़ा होगा तो वाई में इंक्रीमेंट करो, मतलब वाई वन में इंक्रीमेंट करो और वरना एल्स में जाओ और एक्स वन में इंक्रीमेंट कर दो। तो अभी अपन क्या करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल में ऑब्वियसली बात है dx बड़ा आएगा तो हमेशा एक्स वन इंक्रीमेंट होगा, और वर्टिकल में हमेशा y बड़ा आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपका क्या होगा, जो है x में इंक्रीमेंट, वो y में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक, ये मैंने कर दिया। तो ये पुट पिक्सल की कहानी भी खत्म हो गई। अब बात आ रही है कि जैसे ही पुट पिक्सल इधर आए यहाँ पे क्या कर दो, i में इंक्रीमेंट, यहाँ पे दो लाइन का कोड हो गया, तो इसके लिए मुझे आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये मैंने क्यों किया। तो देखो अगर जो मेरा पिक्सल है, जैसे मुझे 20 पिक्सल तक ड्रॉ करना है, तो मेरा एक जो पिक्सल के लिए वो इफ कंडीशन चेक करना, वो जैसे 20 तक आए
उसके बाद ही तो कलर चेंज करना है। तो पिक्सल जो चेक करा कंडीशन उसमें मैंने वन किया, उसके बाद ही मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, वरना वो चलता चला जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है अभी के लिए? और इंक्रीमेंट भी, और आपको पिक्सल भी लगा दिया, आई भी लगा दिया। अब एक कंडीशन और मेरी रह गई है, मान लो यूजर अगर मुझे 15 से ज्यादा कोई नंबर दे दे, 16 देते, 17 देते, 18, कंडीशन मैंने चेक नहीं करी है। यहाँ पे वो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, और अगर वो 15 से ज्यादा देता है तो उससे वापस इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक द कंडीशन इफ गिव द वैल्यू ऑफ कलर मोर देन 15 किया कि भैया इफ अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 15 दिया उसने, ठीक, और क्या कंडीशन चेक करी, और अगर ए जो है वो लेस देन 0 दिया उसने, मतलब माइनस में दे दे, तो यूजर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमको क्या करना है उससे वापस the number of color in between 0 to 15 yellow, ठीक है, और उससे वापस इनपुट लेना, ठीक। अब ये मैंने एक कोड एक्स्ट्रा लिख दिया एक लाइन, जबकि यहाँ पे आप गो टू फंक्शन यूज कर सकते हो जो आपके सी लैंग्वेज में पढ़ा है। तो अभी क्या करेगा, ये एक बार गलत दे दोगे तो एक बार कंडीशन चेक कर लेगा, फिर दूसरी बार भी गलत दोगे तो उस कंडीशन को चला देगा, ये तो उस कंडीशन को चला देगा अभी के लिए। तो आप इस बात को समझें, अभी तो ये चला देगा, लेकिन हम लोगों को जो है लूप में कंडीशन चेक करनी, तो जब तक वो नहीं सही दे तब तक वो बार बार चलता रहे। अभी इसमें एक फॉल्ट और है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो हमारी क्लासेस का टाइम भी हो गया आज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हमारी बात सुन